प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हम ई व्याख्यान की इन श्रृंखलाओं में पढ़ रहे हैं, ई व्याख्यान कर रहे हैं, मैं डॉक्टर दीपक सालवी, सहायक आचार्य चित्रकला विभाग राजकीय महाविद्यालय सागवाड़ा से आपको ये ई व्याख्यानों के माध्यम से निरंतर अपन स्टडी कर रहे हैं और थ्योरेटिकल के साथ में प्रैक्टिकल जो ये थर्ड पेपर है सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का, हाउ टू डू स्केच, कैसे हम स्केचेस का निर्माण करें, कैसे हम लाइव स्टडी के आकारों को निर्मित करें, कैसे हम पोर्ट्रेट बनाते वक्त आँख नाक कान का स्टडी करें, इस पर हम अध्ययन कर रहे हैं। आशा है कि आपने पिछले ई व्याख्यानों को देखा होगा, समझा होगा और प्रैक्टिस भी की होगी। चूँकि थर्ड ईयर में आपको प्रिय विद्यार्थियों लगभग कम से कम 100 स्केचेस तो जमा कराने हैं और ज़्यादा बनाए तो बहुत अच्छी बात है। घर पे आप निरंतर अभ्यास करते रहें, अपने आसपास की सजीव और निर्जीव स्टडी करते रहें तो निसंदेह आपका हाथ भी चित्रकला के दृष्टिकोण से खुलेगा और आप स्टडी कर पाएंगे। तो हम ये स्केचिंग का इस पार्ट के अंतर्गत कैसे हम रैपिडली स्केच बनाएं, आपको स्टार्टिंग में डिटेलिंग में न जाकर आपको स्टडी करना है कि किस प्रकार से हम स्केचेस को निर्माण करें। तो देखिए विद्यार्थियों, पेंसिल 4B आपको पहले ही बताया था, 4B और 6B पेंसिल का प्रयोग अधिकांशतः करना है और शेडिंग के लिए 2B पेंसिल भी उपयोग कर सकते हैं और चारकोल भी उपयोग में कर सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस पे अपनों को फोकस करना है और आपको सजीव और निर्जीव जो भी अपनी आप वस्तुएं देखते हैं जो बना सकते हैं उनको बनाने का प्रयास करें और रबड़ का उपयोग कम से कम करें, जैसा बनता है उसको बनाने का प्रयास करें। उसी लाइन को हम जो लाइन हम बनाते हैं, मान लो गलत बनी है तो उसी लाइन को अगर हम बिगाड़ते हैं और वापस ड्रॉ करते हैं तो 80% 90% लाइन वो की वही बनती जो हमने बिगाड़ी। इसलिए रबड़ का उपयोग ना करें और उसको जैसी की जैसी रहने दें। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये जैसे हम ड्रॉ करते हैं, कोई मेरे सामने भी एक जो हट है उसको मैं बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, तो कैसे उसको अपन बनाएंगे। बिल्कुल कम रेखाओं के माध्यम से हम कैसे उसको इंटरप्रेट करेंगे, इस प्रकार से हम दूरदृष्टि दूर की चीज को रेखाओं के माध्यम से हम ड्रॉ कर रहे हैं। देखिए विद्यार्थियों, हम कैसे इसको बना रहे हैं। ये हमारे अधिकांशतः देखा जाता है गांव में कुएं का ये, इस प्रकार से हम इसमें ज़्यादा डिटेल में ना जाकर बना सकते हैं कि
इस प्रकार से तो ये धीरे धीरे ही प्रयास से हमें इसकी स्थिति देखने को मिलेगी। ये गांव का दृश्य कुछ बनाया है जो हम अमूमनतः गांव में देखते हैं। ऐसे दिन के कम से कम 5 स्केचेस हम आराम से बना सकते हैं इस कोरोना काल में। तो प्रिय विद्यार्थियों, निरंतर आप अभ्यास करते रहें तो निश्चित रूप से हम इन चीज़ों को बना सकते हैं। यह आकृतियाँ कंपोजिशन के लिए इनको बना सकते हैं। इन आकृतियों को बहुत सारी जो चीज़ें हैं, बहुत सारे जो है वो आप मन से बना सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। बहुत सारे गांव के परिदृश्य होते हैं, बिल्कुल कम रेखाओं के माध्यम से हम इनको ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमने पेड़ को ड्रॉ किया है। इस प्रकार से हम इसको हमें बनाना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं।
प्रिय विद्यार्थियों, आप निरंतर इनका अभ्यास करते रहें तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हमें मानवाकृति में कौन सी आकृति आगे है, कौन सी आकृति पीछे है, और कंपोजिशन के हिसाब से मैंने आपको बना के बताया था, ये कंपोजिशन के हिसाब से, और ये भी कंपोजिशन या रैपिड स्केच जिसको बोलेंगे, मैंने आपके सामने अभी स्केचेस बना के बताए हैं। तो आप घर पे भी पूरा इनका अध्ययन करते रहे तो निश्चित रूप से आपको बहुत सारी सफलताएं मिलेगी, और कोई हेजिटेशन, बिना हेजिटेशन के आप इनको ड्रॉ करने का प्रयास करें तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। इसलिए प्रिय विद्यार्थियों, इस कोरोना काल के पीरियड में आप निश्चित रूप से स्टडी का प्रयास करें। तो कोरोना काल में ये जो ई व्याख्यान की जो श्रृंखला है, ये हम बड़ी मेहनत से आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार आप अपना स्केचेस के पावर को, अपने स्केचेस के फ्री हैंड ड्राइंग को कैसे आप मेंटेन करेंगे, कैसे आप बनाएंगे। तो ये धीरे धीरे, एक दिन में ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो धीरे धीरे आप अभ्यास करें तो आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आप इन ई व्याख्यानों की श्रृंखला में आप अधिक से अधिक स्टडी करेंगे, अधिक से अधिक प्रैक्टिस करेंगे, और आपके जो पोर्ट्रेट और कंपोजिशन वाला है, तो आप मेरे को अपने इस यूट्यूब में जो चैनल में जो आपने देखा है, तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं, और अपने अपने कोई भी क्वेरीज हो उसको हम बता सकते हैं, बात कर सकते हैं, उसको ड्रॉ कर सकते हैं। ये जैसे रबड़ का उपयोग मैंने अभी नहीं के बराबर किया है, जैसे ये एक महिला है, बैक साइड में खुले बालों से खड़ी हुई है, इस प्रकार से हम स्केचेस बना सकते हैं। ये बैक पॉज ऑफ फीमेल, तो इनको आप बना सकते हैं, निरंतर अभ्यास करें आप। धन्यवाद।